हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसान सा टू कलर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये पैटर्न हमारा बेबीज के ऑल प्रोजेक्ट के लिए है। इसके अलावा आप इसे लेडीज कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने बॉर्डर बनाई है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 5 के जोड़े के हिसाब से फंदे डालने हैं। इसमें हमारे 2 फंदे उल्टे आते हैं, 3 फंदे सीधे आते हैं। जो 3 फंदे सीधे आते हैं उन पे हमारा पैटर्न बनता है। अब ये पैटर्न हमने 10 नंबर की सिलाई में बनाना है। यदि आपका धागा मोटा है तो आप इसे 9 नंबर की सिलाई पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, पैटर्न बनके बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से ये फंदे डाले हैं। ये मेरे 19 फंदे हैं यहाँ पे डाले हुए। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कलर मैंने पिंक कलर रखा है। इससे मैं पहले 2 सलाइयाँ सिंपल बुन लूँगी। अब देखिए, पहले फंदा हमने बिना बुने उतारा है, फिर धागा अपनी साइड किया। ये 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 1 फंदा लास्ट में सीधा। ये हमने फर्स्ट रो, फ्रंट साइड से फर्स्ट रो बना दी है। अब देखिए, बैक साइड से सेकंड रो, पहला फंदा उतार लेना है, फिर धागा पीछे। अब देखिए, जो फ्रंट साइड से 2 फंदे उल्टे हैं वो बैक साइड से 2 फंदे सीधे आएंगे, फिर धागा अपनी साइड। फ्रंट साइड से जो हमारे 3 फंदे सीधे आ रहे हैं वो बैक साइड से 3 फंदे उल्टे आएंगे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, 3 फंदे उल्टे आएंगे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, लास्ट में 1 फंदा सीधा। अब देखिए, जो हमारी थर्ड रो आएगी। अब थर्ड रो में हम सेकंड कलर लगाएंगे। पहला फंदा हमने उतार लेना है, ऐसे ही उतार लेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 2 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पे ये जो नेक्स्ट हमारे 3 फंदे, इन पे हमारा पैटर्न बनेगा। तो देखिए, ये सिलाई से गिनेंगे 1 और फिर उसके बाद नीचे 2 और ये 3। तो जो ये तीसरा फंदा है, सिलाई से गिनते हुए ऐसे बीच के फंदे में जो ये चैन जा रही बीच के फंदे की, तो इसमें जो तीसरा फंदा है तो उसमें हम ये सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा बनाया और 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये 3 फंदे सीधे बुने, फिर जहाँ से हमने पहले एक्स्ट्रा फंदा बनाया वहीं पे से ये सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा बन गया हमारा। अब देखिए, हमने यहाँ पे सेकंड कलर लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाइट कलर में, सेकंड कलर मेरा वाइट कलर है। तो जो ये उल्टे फंदे हैं इनको ऐसे मैं बुनूंगी वाइट कलर से। ये देखिए, ये आगे की साइड से है, फ्रंट साइड से थर्ड रो। अभी देखिए ये वाइट कलर से, ये उल्टा फंदा मैंने वाइट कलर से बुन दिया। अभी दूसरा वाला भी ये ऐसे वाइट कलर से बुनूंगी, फिर धागा पीछे करूँगी। ये दो फंदे मैंने उल्टे वाले वाइट कलर से बुने। अभी धागा पीछे किया। अब देखिए साथ में हमने इस धागे को भी ऐसे लपेटते हुए आगे ले जाना है, ये ऐसे। अब देखिए जो ये नेक्स्ट तीन फंदे हैं हमारे, इन पे हम पैटर्न बनाएंगे और जो हमारा सेकंड कलर है उससे पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए ये जो बीच के फंदे की चैन जा रही है, तो एक और उसके नीचे दो और ये तीन, ये तीसरे नंबर वाले फंदे के अंदर यानी कि घर के अंदर ऐसे सिलाई डालेंगे और ये एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा बनाया और तीन फंदे सीधे बुन लेने हैं। ये एक बुन दिया, ये दो, और साथ में देखिए जो ये पिंक कलर है हमारा, इसको भी लपेटते हुए आगे ले जाएंगे। फिर तीसरा फंदा सीधा बुन लेंगे। ये तीसरा फंदा सीधा बुना। अब देखिए जहाँ पे से हमने पहले एक्स्ट्रा फंदा बनाया वहीं पे से ये देखिए दूसरा एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे, ये ऐसे। ये एक्स्ट्रा फंदा बना दिया। फिर ये वाइट कलर का धागा ऐसे ही पीछे रहेगा और जो पिंक कलर का धागा है वो आगे आएगा और दो फंदे उल्टे बना लेंगे। ये दो फंदे हमने उल्टे बना दिए। फिर धागा पीछे जाएगा और ऐसे ये वाइट कलर का धागा भी हमने लपेटते हुए आगे ले जाना है। अब नेक्स्ट इन तीन फंदों पे पिंक कलर का ही यूज होगा। अब देखिए ये जो तीन फंदे हैं, बीच के फंदे की जो चैन जा रही है उसके थर्ड नंबर के फंदे पे ऐसे सिलाई डालेंगे और ये एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। फिर देखिए ये तीन फंदे हमें सीधे बुनने हैं, ये दो फंदे बुन दिए। साथ में देखिए वाइट कलर का धागा भी लपेटते हुए आगे जाएगा और फिर ये लास्ट का तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें ये एक्स्ट्रा फंदा बनाना है, ये ऐसे। ये देखिए ये हमने पिंक कलर के धागे से बनाया एक्स्ट्रा फंदा। एक बार हमारा पिंक कलर आएगा, एक बार वाइट कलर आएगा। फिर देखिए ये धागा आगे करेंगे, वाइट कलर वाला सेकंड कलर है जो हमारा, उसको आगे करेंगे और ये देखिए दो उल्टे फंदे बुन लेंगे। ये दो उल्टे फंदे बुने, फिर धागा पीछे करना है और लास्ट का फंदा हम पिंक कलर से सीधा बुन लेंगे, ये ऐसे। देखिए फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। आपके पैटर्न में जितने भी फंदे होंगे आप इसी प्रोसेस को पूरे रो में रिपीट करोगे। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो पहला फंदा उतार लेना है बिना बुने, ऐसे। अब देखिए जो वाइट कलर के धागे से बुने हमने जो फंदे, उनको हम वाइट कलर से ही बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये धागा हमने ऐसे आगे लाना है और ये देखिए ये जो वाइट कलर है इसको ऐसे पीछे ले जाएंगे। अब देखिए जो उल्टे फंदे हैं वो बैक साइड से सीधे आएंगे, तो ऐसे बुन लेंगे सफ़ेद कलर के धागे से। ये देखिए ये दो फंदे सीधे बुन दिए, ये दो फंदे हमने सीधे बुन दिए। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और जो ये देखिए एक्स्ट्रा फंदा है इसको ऐसे बिना बुने राइट निडल में उतार लेना है। अब जो ये उल्टे फंदे हैं तीन बीच में, इनको उल्टा ही बुनेंगे। अब देखिए ये पिंक कलर के धागे से हमारे तीन फंदे उल्टे, ये तीन फंदे हमने पिंक कलर के धागे से उल्टे बुन लेने हैं। फिर देखिए ये बिना बुने फंदा इसको राइट निडल में उतार देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, ये वाइट कलर का धागा भी हमने लपेटते हुए आगे ले जाना है। अब देखिए ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं और पिंक कलर के धागे से बुने हमने। बैक साइड से दो फंदे सीधे जा रहे हैं और फ्रंट से उल्टे आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से बैक साइड से दो फंदे सीधे और फ्रंट से उल्टे आ रहे हैं। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। अब वाइट कलर से हमें ये वाइट कलर के फंदे बुनने हैं, तो देखिए जो एक्स्ट्रा फंदा है उसको ऐसे उतार लेंगे बिना बुने। फिर हम ये देखिए ये 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। देखिए 2 फंदे उल्टे बुन दिए, फिर ऐसे ये धागे को लपेटते हुए आगे लाए और फिर एक उल्टा फंदा बुन दिया। अब देखिए जो ये एक्स्ट्रा फंदा है इसको भी ऐसे बिना बुने उतार लेंगे। फिर देखिए इस धागे को आगे ले जाएंगे वाइट कलर वाले को, और बैक साइड से 2 फंदे हमने सीधे बुनने। ये देखिए 2 फंदे वाइट कलर से सीधे बुन दिए। फिर धागा पीछे लाना है हमें। अब देखिए धागा पीछे ला गए। अब हमारे ये पिंक कलर के धागे से बुने फंदे हैं, तो ये पहला फंदा हमने एक्स्ट्रा फंदा बिना बुने उतार लेना। 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये 3 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। फिर देखिए ये वाला फंदा ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड और लास्ट में एक फंदा उल्टा। ये देखिए ये बैक साइड से हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये फ्रंट साइड से 5th रो। ये पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने, फिर धागा अपनी साइड 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। अब ये देखिए ये जो पहला फंदा है एक्स्ट्रा वाला ऐसे लेंगे राइट नीडल से और ऐसे पलटा के लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। अब ये 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये एक साथ बुन दिए 2 फंदे, फिर एक फंदा सीधा, फिर देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंदा और लास्ट का 3रे नंबर का फंदा, इनको ऐसे सीधे एक साथ बुन लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये हमारे वाइट कलर के धागे से बने फंदे आते हैं, फिर तो वाइट कलर का धागा आगे करेंगे, 2 फंदे वाइट कलर से उल्टे बुन लेंगे। ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये पिंक कलर का धागा है, इसको भी लपेटते हुए आगे ले जाना है। अब देखिए जो ये एक्स्ट्रा फंदा है इसको ऐसे पलटा के लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। अब ये 2 फंदे हमने एक साथ बुन लेने हैं। फिर देखिए ये सीधा फंदा बुनेंगे, फिर धागा भी लपेटते हुए आगे ले जाएंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा और 3rd नंबर का फंदा, इनको एक साथ बुनेंगे। ये ऐसे देखिए, फिर धागा आगे लाएंगे। अब पिंक कलर के धागे से ये 2 उल्टे फंदे बुन लेने, फिर धागा पीछे, ये ऐसे पलटा के भी ले जाना है साथ में। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा फंदा है ऐसे पलटा के डालेंगे और ये देखिए ये दोनों को एक साथ बुनेंगे, एक्स्ट्रा फंदा और पहले नंबर का। फिर ये दूसरा नंबर का फंदा सीधा बुना, फिर देखिए ये लास्ट में एक एक्स्ट्रा फंदा और 3रे नंबर का फंदा, इसको सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे वाइट कलर वाला और 2 उल्टे फंदे बुनेंगे। ये ऐसे, फिर धागा पीछे करना है और लास्ट में जो ये सीधा फंदा है लास्ट का, इसको पिंक कलर के धागे से बुन लेना है। ये देखिए ये ऐसे हमारा पैटर्न दिखने लग गया। अब देखिए बैक साइड से, ये बैक साइड से 6th रो है। ये पहला फंदा ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा वाइट कलर का धागा है इसको ऐसे पीछे ले जाएंगे और 2 फंदे बैक साइड से सीधे बुनेंगे वाइट कलर से। ये देखिए ये वाइट कलर से 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने। ये 2 फंदे हमने सीधे बुने, तो ये फ्रंट साइड से हमारे 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं, तो बैक साइड से सीधे आए। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। अब देखिए हमारे जो ये नेक्स्ट पिंक कलर के 3 फंदे हैं उल्टे बुनने, इनको हमने इस समय वाइट कलर से बुनना है। इस समय इनको हमने 6 रो में वाइट कलर से बुनना है। ये पिंक कलर आगे ले जाएंगे और इस वाइट कलर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तीन फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। अब देखिए हमने ये तीन फंदे उल्टे बुन दिए, पिंक के ऊपर हमने तीन फंदे इस समय उल्टे बुन दिए। अब जो ये पिंक कलर है हमारा, इसको आगे ले जाएंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे। ये बैक साइड से दो फंदे पिंक कलर से सीधे आएंगे, ये ऐसे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और जो वाइट कलर के तीन फंदे हैं वो इस समय हमारे पिंक कलर के आएंगे। साथ में हमने ये धागा भी लपेटते हुए आगे ले जाना है। अब देखिए तीन फंदे हम उल्टे पिंक कलर से बुनेंगे। जो वाइट कलर के फंदे थे हमारे पहले, अब वो पिंक कलर के हो गए। देखिए फिर देखिए यहाँ पे ये वाइट कलर का धागा हम पीछे ले जाएंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे। जो वाइट कलर के हमारे ये दो उल्टे फंदे आ रहे हैं वो वाइट कलर के ही आएंगे। ये देखिए ये दो फंदे हमने वाइट कलर से बुने। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। अब जो ये तीन फंदे हमारे पिंक कलर से हैं सीधे, फ्रंट साइड से जो सीधे हैं और बैक साइड से उल्टे हैं, तो ये हमारे इस समय वाइट कलर से आएंगे। ये तीन फंदे उल्टे हमारे वाइट कलर से आए। अब देखिए अब यहाँ पे पिंक कलर का धागा पीछे ले जाएंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे। ये जो उल्टे फंदे आ रहे हैं हमारे फ्रंट साइड से, वो बैक साइड से दो फंदे सीधे आ रहे हैं और लास्ट का एक फंदा उल्टा। ये देखिए ये बैक साइड से हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से 7th रो। अब 7th रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा। देखिए ये पहला फंदा उतार लेना है सीधे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेने हैं। ये दो फंदे हमने उल्टे बुन दिए, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये वाइट कलर से बुने हमने तीन फंदे, तो यहाँ पे पैटर्न वाइट कलर से ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा हमारा सिलाई पे है, ये दूसरा फंदा ये सिलाई से नीचे वाला है, ये देखिए, और उसके नीचे एक तीसरा फंदा। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे ये सिलाई डालनी है और एक्स्ट्रा फंदा बना लेना है वाइट कलर के धागे से। ये देखिए ये वाइट कलर से बनाया और तीन फंदे सीधे बुन लेने हैं, ये ऐसे। ये दो फंदे सीधे हो गए। दो फंदे सीधे बुनने के बाद धागे को हम लपेटते हुए पिंक कलर के धागे को आगे ले जाएंगे। अब ये लास्ट का ये तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये तीन फंदे हमने सीधे बुने। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा बन गया। अब इसके बाद धागा आगे करेंगे। अब दो फंदे उल्टे बनेंगे। ये वाइट कलर से हमारे दो फंदे उल्टे, ये देखिए। फिर धागा पीछे करना है। अब देखिए यहाँ पे ये पिंक कलर से हमारे नेक्स्ट तीन फंदे हैं, इन पे पिंक कलर से ही पैटर्न बनेगा। ये देखिए ये ऐसे सिलाई डालनी है और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेना है। ये एक्स्ट्रा फंदा बना और तीन फंदे सीधे बुन लेने। ये दो फंदे सीधे हो गए। साथ में ये धागे को भी आगे ले जाएंगे वाइट कलर वाले को और लास्ट का ये तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा बन गया हमारा, ये ऐसे। फिर हमने धागा आगे लाना है और देखिए जो दो उल्टे फंदे पिंक कलर से हैं, ये पिंक कलर से ही आएंगे दो उल्टे फंदे। फिर धागा पीछे करना है। अब देखिए नेक्स्ट तीन फंदे हमारे वाइट कलर से हैं, तो यहाँ पे पैटर्न वाइट कलर से ही आएगा। ये ऐसे सिलाई डालेंगे और वाइट कलर से ये एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा बना और तीन फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए ये दो फंदे सीधे बुने। साथ में इस धागे को भी आगे लाएंगे पिंक कलर के और ये तीसरा फंदा सीधा बुन लिया। फिर हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा बनाया ऐसे, ये एक्स्ट्रा फंदा बनाया हमने। फिर धागा अपनी साइड लाएंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे। ये दो फंदे हमारे वाइट कलर से आएंगे, ये ऐसे। फिर धागा पीछे और लास्ट में एक फंदा जो रह जाता है उसे पिंक कलर से बुन लेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट साइड से हमारी 7 थ्रो कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड से 8 थ्रो, ये पहला फंदा उतार लेना है। फिर धागा, वाइट कलर का धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे वाइट कलर से, ऐसे। ये देखिए, ये बैक साइड से दो फंदे हमने सीधे बुन दिए वाइट कलर से। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और जो ये पिंक कलर का धागा है इसको भी आगे ले जाना है। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको हमने बिना बुने उतार लेना है। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर ये एक्स्ट्रा फंदा बिना बुने उतार लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, पिंक कलर के धागे को पीछे करना है। अब देखिए, नेक्स्ट फंदा हमारा पिंक कलर का है, तो ये दो फंदे हमारे पिंक कलर से आ रहे हैं। देखिए, दो फंदे हमने सीधे बुनने हैं बैक साइड से। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। अब जो ये वाइट कलर का धागा है इसको भी आगे ले जाएंगे, ऐसे। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा फंदा है उसको उतार लेंगे। अब जो ये पिंक कलर वाले फंदे हमारे पिंक कलर के धागे से बुनने हमें, ये 3 फंदे उल्टे बुने। फिर ये देखिए, ये एक्स्ट्रा फंदा उतार लेना है। फिर धागा पीछे करेंगे वाइट कलर वाला और दो फंदे सीधे बुनेंगे। ये दो फंदे हमने सीधे बुन दिए बैक साइड से। फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए, ये एक्स्ट्रा फंदा बिना बुने उतारना है, 3 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। फिर ये फंदा बिना बुने उतार लेना है। फिर धागा देखिए पिंक कलर वाला करना है पीछे। ये पिंक कलर वाला फंदे आ गए हमारे उल्टे फंदे। फ्रंट साइड से जो पिंक कलर के उल्टे फंदे हैं बैक साइड से, ये देखिए सीधे हैं, ये 2 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी साइड, लास्ट का एक फंदा उल्टा। ये देखिए, बैक साइड से हमारी 8 थ्रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए, फ्रंट साइड से 9 थ्रो। ये पहला फंदा उतार लेना है। फिर धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं पिंक कलर से। फिर धागा पीछे करना है। अब देखिए, नेक्स्ट फंदे हमारे वाइट कलर से हैं तो वाइट कलर यूज होगा। तो ये पहला फंदा हमने ऐसे उतारना है और ऐसे पलटा के लेफ्ट नीडल में डाल देना है। अब एक्स्ट्रा फंदा और पहला वाला फंदा एक साथ बुनेंगे। फिर देखिए, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, साथ में धागा भी आगे ले जाएंगे पिंक कलर वाला। फिर देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा फंदा और तीसरे नंबर का फंदा एक साथ बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे वाइट कलर से। देखिए, जो हमारी ये उल्टे फंदों की चेन जा रही, इन पे हमारा कलर चेंज नहीं हो रहा। जो वाइट कलर से हैं तो वो वाइट कलर से ही जा रहे हैं नीचे से, और जो पिंक कलर के हैं वो पिंक कलर से ही जा रहे हैं नीचे से। सिर्फ जो हमारे ये 3 फंदों पे पैटर्न बन रहा है इन पे ही कलर चेंज हो रहा है हमारा। देखिए, फिर धागा पीछे करेंगे। अब हम पिंक कलर यूज करेंगे। तो देखिए, ये पहला फंदा हमने एक्स्ट्रा वाला पलटा के डालना है लेफ्ट नीडल में और 2 फंदे एक साथ बुनने, ये ऐसे। फिर बीच वाला फंदा सीधा बुना। फिर साथ में ये धागा भी आगे ले जाएंगे वाइट वाला, और लास्ट के तीसरा फंदा और एक्स्ट्रा फंदा ऐसे सीधे बुन लेंगे। फिर देखिए, धागा अपनी साइड को लाएंगे पिंक कलर वाला, 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर धागा पीछे ले जाना है हमें और अब वाइट कलर यूज करना है। तो देखिए, ये फंदा पलटा के डाला। अब ये 2 फंदे एक साथ बुन लेने। फिर देखिए एक सीधा फंदा बुनेंगे, साथ में इस धागे को आगे ले जाएंगे। फिर देखिए ये लास्ट का तीसरा और एक्स्ट्रा फंदा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे आएंगे वाइट कलर से, फिर धागा पीछे। अब लास्ट का जो फंदा है हमारा वो पिंक कलर से है, तो उसको पिंक कलर से ही बुनेंगे। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी 9th रो कंप्लीट हो गई और हमारा पैटर्न भी क्लियर दिखने लग गया। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए बैक साइड से 10th रो, ये पहला फंदा हमें बिना बुने उतार लेना है। फिर देखिए वाइट कलर का जो ये धागा है इसको हमने ऐसे पीछे कर लेना है और दो फंदे सीधे बुन लेने बैक साइड से 10th रो में। ये देखिए दो फंदे सीधे बुने, फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब जो हमारे नेक्स्ट तीन फंदे सफ़ेद धागे से हैं इनको हम पिंक कलर के धागे से बुनेंगे। ये देखिए ये तीन फंदे हमने पिंक कलर के धागे से उल्टे बुन लेने हैं। ये ऐसे बुन दिए, फिर धागा पीछे करेंगे और दो फंदे पिंक कलर से सीधे बुनेंगे। ये दो फंदे हमने पिंक कलर से सीधे बुने, फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट तीन फंदे पिंक कलर के हैं, इनको हमने इस समय वाइट कलर के धागे से बुनना है। ये देखिए उल्टा बुनना है और वाइट कलर से बुनना है। ये ऐसे ये तीन फंदे हमने वाइट कलर से बुन दिए, फिर देखिए धागा पीछे करेंगे और दो फंदे वाइट कलर से सीधे बुन लेंगे बैक साइड से। ये दो फंदे सीधे आ रहे हैं, ये फ्रंट साइड से हमारे उल्टे फंदे हैं तो बैक साइड से सीधे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो तीन फंदे हमारे वाइट कलर से आ रहे हैं इनको हमने पिंक कलर से उल्टा बुनना है। ये देखिए बैक साइड से ये तीन फंदे उल्टे आ रहे हैं, फिर धागा पीछे करेंगे पिंक कलर वाला और दो फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे। ये बैक साइड से हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए और फ्रंट साइड से 11th रो। अब 11th रो पे हमारा पैटर्न रिपीट होगा और देखिए इसको हमने रिपीट करते जाना है और इस तरह से हमारा पैटर्न तैयार हो जाएगा। ये बनके बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।